गुड मॉर्निंग बच्चों, मैंने कल आपको वर्डपैड के बारे में बताया था। आज जो मैं आपको बताने जा रही हूँ वो मैं वर्डपैड के रिबन, स्टेटस बार और रूलर बार के बारे में बताने जा रही हूँ। कल मैंने वर्डपैड के पूरी इंफॉर्मेशन दी थी जो उसके बारे में होता है। आज जो मैं आपको बता रही हूँ वो तीन चीजों के बारे में बताने जा रही हूँ। सबसे पहले जो आ रहा है वो हमारा आता है रिबन, कि व्हाट इज द रिबन, रिबन क्या है। रिबन क्या होता है? वर्डपैड विंडो का एक भाग है। यह टाइटल बार से नीचे होता है। इस पार्ट्स में दिखाई गई वर्डपैड विंडो का लाल रंग का जो हिस्सा दिख रहा है उसे रिबन कहते हैं। इस भाग में वर्डपैड का जो विकल्प मेनू बार में लेती है इसे दिखाया जाता है। रिबन वो होता है जो ठीक ऊपर होता है, सबसे ऊपर का हिस्सा जो होता है वो रिबन कहलाता है। नेक्स्ट आता है रूलर बार। इस जब भी हम कहीं पे भी कोई काम करते हैं, चाहे वो वर्ड पैड हो, चाहे वो नोट पैड हो, चाहे वो एमएस वर्ड हो, इसमें सबसे महत्वपूर्ण रोल जो होता है वो रोल होता है रूलर बार का। रूलर बार क्या होता है? रूलर बार वो होता है जो टेक्स्ट एरिया के विकल्प के ऊपर होती है। इससे हम पेज मार्जिन का पता चलता है। इससे मार्जिन देते हैं वर्ड पैड डॉक्यूमेंट को बनाने के पहले या बाद में, जितना पेज मार्जिन किया जाता है उसे मार्जिन दिखाने के लिए दोनों तरफ से दाएं और बाएं दोनों तरफ से मार्जिन दे देते हैं। फिर जो टेक्स्ट लिखा जाता है वो इनसे बाहर नहीं जाता, इसे रूलर बार कहते हैं। रूलर बार लेफ्ट और राइट यानी कि दाएं और बाएं दोनों तरफ से हम सेट कर देते हैं, ताकि हमारा राइटिंग वर्क जो है, लिखित वर्क जो है, टेक्स्ट वर्क जो है वो बाहर ना जाए। स्टेटस बार क्या होता है? स्टेटस बार वो होता है जो विंडो और टेक्स्ट एरिया के बिल्कुल नीचे होता है। इस बार में जूम लेवल नामक टूल होता है जिसकी सहायता से पेज को जूम इन और जूम आउट किया जा सकता है। मैंने आज आपको रिबन के बारे में, रूलर बार के बारे में और स्टेटस बार के बारे में बताया। इससे आपको ये पता चलेगा तीनों से कि हमारा रिबन क्या होता है, रूलर बार क्या होते हैं और स्टेटस बार क्या होते हैं। सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट जो है इसमें वो है रूलर बार। कल के जो मैंने बनाया था वीडियो उसमें आपको मैंने वर्डपैड की स्टार्टिंग बताई थी, आज मैंने इसके स्टेप्स बताए। अब जो मैं बनाऊंगी नेक्स्ट वो होगा आपका मेनू बार। उसमें मैं आपके सारे मेनू बार डिस्क्राइब करूंगी। आप वीडियो को हमेशा लाइक करिए, सब्सक्राइब कीजिए और घंटी बजाइए, और वीडियो को पूरा देखने की कोशिश कीजिए। स्किप करेंगे तो आपको पूरी नॉलेज नहीं हो पाएगी। आप जिस तरीके से ये लड़की एक कंप्यूटर पर बैठकर काम कर रही है, इसने भी पूरी तरीके से डिटेल सीखा, उसके बाद वर्क करना शुरू किया। ऐसे ही जब हम किसी चीज़ को पूरी तरह से इंफॉर्मेशन लेते हैं, पूरी तरह से सीखते हैं, तभी हम कोई वर्क कर पाते हैं। तो आप वीडियो को बिना स्किप किए पूरा देखिए और लाइक कीजिए, घंटी बजाइए, सब्सक्राइब कीजिए। थैंक्स।